So, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. शुक्रिया. शुरुआत करते हैं प्यार से ही करते थे आप लोग. इतने प्यार से देख रहे थे दूसरे को. इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला था कि ट्रॉफी तो मिल ही चुकी है, बाहर बते लेने हैं सब लोग. क्या कहना चाहेंगे आप पहले बताइए. मैं की आप दोनों. अच्छा मैं शुरुआत करती हूँ. तो गई तो मैं शो में जीतने के लिए ही थी, है ना. और इवेंचुअली मैं बाहर आई हूँ तो मैं खाली हाथ तो आई नहीं, सबको पता है. तो मेरे पास एक बिग बॉस ने जो एक इतनी खूबसूरत सी ट्रॉफी, वो जो एक आंख थी, उस आंख से भी खूबसूरत एक इंसान था घर के अंदर एजाज खान. वो अगर इंसान मेरी लाइफ में है तो ऑफकोर्स ट्रॉफी तो जीत ही ली है. तो वो कॉन्टेक्स्ट उस सेंस में था, वो उस कॉन्टेक्स्ट में था. लेकिन उसके बाद जो मैंने वो लिखा था अबाउट बाकी सब तेल लेने जाए, तो क्योंकि दे आर स्टिल पीपल एंड फैंस, आई वॉन्ट कॉल देम माई फैंस, जो अभी भी इनफैक्ट अलॉट मेनी पीपल जो आधी दुनिया में बोलूँगी ये अभी भी सोचती है कि फेक है, फेक है, फेक है. सो ये मैं ऐसा मानती हूँ कि जब मैं इनफैक्ट घर से बाहर भी आई थी तो लोगों ने बोला था कि फेक है, कुछ लोग बोले थे नहीं. तो मैंने इनफैक्ट ये बोला भी था कि 50% लोग बोलते हैं फेक है, 50% लोग बोलते हैं कि असली है. मैं उन असली वालों के लिए जीना चाहूँगी, उन्हें एंटरटेन करना चाहूँगी. तो ये जो 50% वाले अलग है ना जो बोलते हैं फेक है, तो ये फेक वालों के लिए तुम तेल लेने जाओ. बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया सर. आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता. फर्क तो पड़ता नहीं भाई, मतलब जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया था. कोई और मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता. जो मेरे अपने लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है. मेरे फैमिली है, अब ये है, ये मुझे जानती है. और जितने लोग होते हैं उतनी ही बातें भी होती हैं. तो हम सबको जाके कन्विंस तो कर नहीं सकते और सबको हम खुश कभी नहीं रख सकते. सो बिग बॉस के अंदर जो प्यार भरा नोकझोंक देखा था, आपने भी पोस्ट किया था वो कांच के टुकड़े लेकर के, जिस पर बोला था आप झेलो पूरी जिंदगी भर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं कहिए आप, ये आप बताइएगा. झेलना माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन निभाना है. नो एक्चुअली मैं बताती हूँ, रुको आप डरो मत. क्या है ना, जब से देखो हम लोग वहां पे लड़ते थे, प्यार करते थे बिग बॉस में, तो सब लोगों को उस चक्कर में लगा कि एकदम से प्यार होता है और सडनली अगले दिन लड़ते हैं. मैं शुरुआत करती थी लड़ने की, इन शॉर्ट अगर वो चीज़ें दिखती होंगी तो लोगों को लगता था ये कौन सा प्यार होता है कि आप आज प्यार से बात कर रहे हो, आंखों में आंखें डाल के, गले में गले, बाहों में बाहें, ये सब कुछ चल रहा हो, अगले दिन आप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो. जस्ट अ स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग. सो अगर आप ऐसे लड़ते हैं देन लगता है कि फेक है. वहाँ पे भी फेक नहीं था, वापस बोलूँगी. एंड स्टिल अब भी हम आज सुबह एक घंटे का बिग बॉस का वापस से हमने रिप्ले किया था, फ्लैशबैक में गए थे, वापस से हम लड़े थे. मैं फ़ोन पर था, ये मुझे नाश्ता बना के दी और 10 मिनट मैं फ़ोन पर बात करता रहा, खाना ठंडा हो गया और मामला गर्म हो गया, बस यही और कुछ नहीं. और नॉर्मल चीज़ें होती है, बाद में मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सबके घर में ये कभी ना कभी होता है. तो हमारी बात चल रही थी बिग बॉस की, चलिए आप लोग जाना चाहेंगे. फिनाले करीब है, फिनाले में नजर आएगा ये दोनों जोड़ी रोमांस करते हुए स्क्रीन पर या फिर पता नहीं, मे बी आई थिंक सो. फिनाले में हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक सो. जी बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं क्यों है यार, चीजों में बहुत कंफ्यूजन. फैंस को बता दीजिए, हमें मत बताइए, फैंस को बता. यार हम तो जाना चाहेंगे, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम यही हैं. तो बिल्कुल जाना चाहेंगे यार, क्यों नहीं, हमारा शो था फिनाले में, तो ऑफ कोर्स वी वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ फिनाले. लेकिन यार अभी प्रोटोकॉल्स बहुत अलग हो गया है ना कोविड की वजह से, सो आई डोंट नो क्या है, क्या चल रहा है. देखिए नहीं नहीं ऐसा नहीं बोल रहे, नहीं जा सकते, जस्ट दैट कि बिकॉज़ ऑफ दोस प्रिकॉशनरी थिंग्स वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज़ बाकी सारे कंटेस्टेंट्स आएंगे, हो सकता है लोग भी हों, तो थोड़ा एक वो डर लगता है बिकॉज़ हमें अपना पता है बट सामने नहीं पता. तो बट ऐसा नहीं है हम नहीं जाएंगे, वी आर नॉट सेइंग नो, बट लेट्स वेट. फैंस के लिए बताइए कि ये जोड़ी नाम, दोस्ती तो हो गई है, दोस्ती को रिश्ते का नाम कब तक आएगा? प्यार भी हो चुका है और इसे लीगलाइज भी हम बहुत जल्दी कर देंगे इंशाल्लाह. आपको बहुत जल्दी बता देंगे कब करेंगे ये, और
जैसे मैं सबको कहता हूँ हमारे इंटेंशंस बहुत पवित्र हैं, प्योर तो हो जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब ये समझ लीजिए सेम ही सुर है। बहुत जल्दी अभी बहुत चीजें करनी बाकी, याद याद है, लॉट ऑफ थिंग्स जो चीजें करनी बाकी हैं, जो चीजें चल भी रही हैं, एंड बहुत जल्दी शायद, या दिस इज व्हाट इजाज सेज, इंशाल्लाह।